तारथी आकाश की ओर है चलो। श्री राम, मैं मैथाली हूं, देवराज इंद्र के आदेश पर आया हूं। आपके साथ रावण के इस युद्ध में मैं आपका सारथी हूं। किंतु मैं कैसे विश्वास कर लूं तुम्हारा? यह रावण की कोई माया भी हो सकती है। नहीं प्रभु, ये रावण की माया नहीं है। मैं इनकी दिव्यता को अनुभव कर सकता हूं। और ये रथ देवताओं की ओर से आपके लिए उपहार स्वरूप है। कृपया कर रथ पर विराजमान होइए प्रभु।
बचपन बिल्कुल उचित कह रहा है, उसे महादेव की ओर से अमृत का वरदान प्राप्त है। तो आपका तात्पर्य है कि मुझे इस धर्म युद्ध से पीछे हट जाना चाहिए और अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए? नहीं प्रभु, मेरा ये तात्पर्य नहीं है, किंतु मैं उस वरदान के विषय में आपको पूर्ण विवरण देना चाहता हूं। रावण का अंत उसकी नाभि में विद्यमान अमृत को सुखा के किया जा सकता है। तुम्हें मेरा परामर्श मान लेना चाहिए था। अब भी समय है, अपनी हार स्वीकार कर लो। सदा स्मरण रखना रावण, तुझे मैंने नहीं तेरे अहंकार ने मारा है। प्रभु राम। इतना ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी मैं वो नहीं समझ पाया जो आप मुझे कब से समझाने की चेष्टा कर रहे थे कि मनुष्य अपने अहंकार को साध ना पाए तो उसकी हार निश्चित है। इस संसार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए मेरा अंत मेरे जीवन से बड़ा उदाहरण बनेगा, जो अनंत काल तक मानवता को सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और यही मेरी मुक्ति के द्वार खोलेगा। प्रभु राम, मेरे कारण जो आपको कष्ट हुआ है, जो आपको पीड़ा हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रभु, जय श्री राम। जय श्री श्री राम।
जय श्री राम। श्री राम की महानता का आभास तो अयोध्या के बच्चे बच्चे को उसके जन्म से हो जाता है, जिससे इस रामायण वाचन के पीछे तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। तुम तो इसके माध्यम से देवी सीता की पवित्रता को सिद्ध करना चाहते थे और वो उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। मत भूलो, रामायण में रावण का वध हो चुका है, किंतु रामायण रावण वध से पूर्ण थोड़ी हो जाती है। जो रामायण श्री राम और माता सीता से आरंभ हुई है, वो उनके मिलन के बिना कैसे पूर्ण हो सकती है? हाँ, लौकुश ठीक कह रहे हैं। पूरी रामायण सुनने की बात हुई थी और हम सुनेंगे। सुना। दस माह का ये समय, दस जन्मों के समान बीता है। ऐसा प्रतीत हो रहा कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना मेरी वास्तविकता नहीं, मेरा स्वप्न है। मेरे हृदय की दशा आपसे भिन्न नहीं है। आज रुक जाइए आर्य, मैं आपसे दूर इस रावण की लंका में पिछले 10 माह से रह रही हूं। मैं जानती हूं आर्य, आपके हृदय में मेरे लिए कभी कोई संशय, कभी कोई संदेह नहीं आएगा, किंतु फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूं, रावण मुझे अपना बनाने में सफल नहीं हूं। ये सब क्या है सिद्ध? तुम्हें ना ही कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता है और ना ही कुछ कहने। मैं आपके लिए नहीं, भावी पीढ़ियों के लिए, आने वाले कठिन समय के लिए, उन सभी स्त्रियों के सम्मान के लिए कर रही जो अभी तक जन्मी भी नहीं, ताकि आज के पश्चात किसी भी स्त्री को किसी के भी समक्ष अग्नि परीक्षा ना देनी पड़े। एक पत्नी के लिए अपने पति से दूर रहना आग पर चलने से अधिक कठिन नहीं है आज, विशेषकर मेरे लिए। आपके वियोग में बीता एक एक क्षण ऐसी अग्नि में एक एक युग बिताने के समान था, और ये अग्नि मेरे भीतर जल रही थी। रावण ने भी इस अग्नि के ताप को भांप किया था,
यदि उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे समीप आने या फिर मेरी पवित्रता को खंडित करने की चेष्टा की तो मेरे सत्यत्व के ताप में जलकर भस्म हो जाएगा। और इसीलिए उसने ये भूल नहीं किया रे, नहीं की। मेरी सीता सदैव पवित्र थी, पवित्र है, पवित्र रहेगी। क्या यही था जो तुम हमें सुनाना चाहते थे? सीता ने अग्नि परीक्षा दी, पर हमें क्या पता कि वास्तविकता क्या थी? और हां बच्चों, जो ये तुम सुना रहे हो ये कुछ नया नहीं है। इस कथा को हमने अनेकों बार सुना है। इससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा? हमें इस पर विश्वास नहीं। हाँ, यदि तुम्हारे पास कोई और प्रमाण है तो बताओ, अन्यथा तय अनुसार दंड के लिए सज्ज हो जाओ। किंतु आप नहीं, नहीं श्रीराम, ये हमें संभालने दीजिए। तो आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हाँ, तुम दोनों झूठे हो। व्यर्थ ही एक झूठ को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हो, इसीलिए यह झूठी कथा सुना रहे हो। किंतु सत्य यह है कि सीता ने श्रीराम को छला। यदि वो इतनी ही पवित्र होती तो यहां आकर परीक्षा देती। और ये मत सोचना ये केवल मैं कह रहा हूं, प्रजा के लगभग सभी लोगों के मन में यही है। बस कोई बोलते नहीं है, सब में इतना साहस नहीं होता। और हम आपके आभारी हैं कि आपने निर्भीक होकर सत्य कहा, हमें आपका कथन स्वीकार। दंड मांगा था ना, हम आपका दंड स्वीकार करते हैं। हम आप सबके सामने इस अग्नि कुंड में प्रवेश करेंगे। लवकुश, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? राम, ये जो करना चाहते हैं इन्हें करने दो। तो माता, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है, जहां सच्ची निष्ठा होती है वहां कुछ भी अनिष्ट नहीं घट सकता। हाँ, ये कहानी जिस दिशा में बढ़ रही है उस दिशा में ही बढ़ने दे, हस्तक्षेप ना करें। ये
यदि रामायण कहते समय एक घटना भी असत्य बोली हो तो हमें जीवित रहने का अधिकार नहीं है। यदि हमारी मंशा अनुचित थी, लोगों को भ्रमित करने की थी, तो हमें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। यदि रामायण का वाचन करते समय हमारे मन में देवी सीता के अभियान, सभी स्त्रियों को सम्मान दिलवाने के अतिरिक्त कोई और दुष्विचार रहा हो तो हमें जीवित रहने का अधिकार नहीं है। जय सिया राम। हमें क्षमा कर दो बच्चों, हमने देवी सीता पर संदेह किया, उनके चरित्र पर प्रश्न उठाया, हम अपराधी हैं, हमें क्षमा कर दो बच्चों। नहीं नहीं काका, देवी सीता को उनका खोया हुआ सम्मान लौटाने में आपकी भूमिका प्रमुख है। और आप ही के कारण सभी के हृदय में व्याप्त संदेह दूर हुए थे। आप क्षमा मत मांगिए। आज से हम केवल देवी सीता को ही नहीं अपितु समाज के प्रत्येक स्त्री को सम्मान देंगे। हाँ, स्त्रियों ने पग पग पर प्रमाण दिए हैं कि वो हमसे श्रेष्ठ है, फिर भी वो हमसे ऊपर नहीं, हमारे समान स्थान की अपेक्षा कर रही है। ये उनकी महानता है और हमें भी विश्वास है कि वो सभी सम्मान व स्नेह की भागी, और ये सब केवल
देवी सीता के महान त्याग के कारण प्राप्त हो रहा है। हाँ, हम सभी स्त्रियों को समान अधिकार देना चाहते हैं। हाँ, हम सभी स्त्रियों को समान अधिकार देना चाहते अब सीता जी को अयोध्या वापस ले आइए महाराज। वो पवित्र हैं, उन्होंने कोई भूल नहीं की। कृपा कर हमारे राज परिवार को पूर्ण करिए महाराज। हाँ, देवी सीता को अयोध्या ले आइए। हाँ, उन्हें सम्मान पूर्वक ले आइए प्रभु। सीते 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 मैंने उनकी वाणी सुनी, वो मुझे पुकार रहे। समय आ गया है सीता। माता, हमने आपको दिया वचन पूर्ण किया। मैंने कहा था ना सीता, राम से तुम्हारे पुनर्मिलन की डोर है लव कुश, तुम्हारे मिलन का प्रेम सेतु है लव कुश। तब तक वनवास भोगूंगी जब तक स्त्री के प्रति अयोध्या के समूचे आर्यव्रत की सोच न बदल जाए। बताओ क्या हुआ, किसने तुम पर प्रहार किया? ये प्रहार नहीं, मेरे पति का उपहार है महारानी। सीता मैया,
उठो। रघुवंश के मान रक्षक श्री राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। देवी सीता की जय।
कैसी हो सीते? मैं ठीक हूँ आर्य। पता है तुम्हें, तुम्हारे बिना तुम्हारा ये राम अधूरा था सीते, और आज तुम्हारे आने से मैं पूरा हुआ। मैं तो सदैव आपके हृदय में हूँ आर्य, और आप मेरे हृदय में। मैं तो कभी आपसे दूर हुई ही नहीं, किंतु हाँ, इस मिलन से हमारी प्रसन्नता का समय पुनः लौट आया है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.